ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के बाद अपने वतन लौटे पूर्वी व्यास जैविक किसान हैं। वह किसानों और युवाओं को खेती करने के तरीके सिखा रही हैं। पूर्वी व्यास साल 1999 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भारत लौट आई और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। पूर्वी अपने दादी माँ की दी गई विरासत को आगे बढ़ाया। पूर्वी की माँ और दादी किचन गार्डन में जड़ी बूटियाँ और मसाले उगाती थीं। इसको देखकर पूर्वी बड़ी हुई है। पूर्वी जब भारत लौटी तो उन्होंने अहमदाबाद के अपने मतार गांव में 4 एकड़ जमीन पर सब्जियां और फलों की खेती शुरू की। पूर्वी के खेती करने के पीछे भी एक कहानी है। एक बार पूर्वी की माँ ने उसे मतार गांव छोड़ने के लिए कहा। जब वो अपनी माँ को लेकर मतार गांव गई, तो वहाँ की ताजी हवा में उसे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद ही पूर्वी ने फैसला किया कि वो किसान बनेगी। इसके बाद उसने नौकरी छोड़ दी और किसानी शुरू कर दी, लेकिन किसान बनना इतना आसान नहीं था। पूर्वी को खेती के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। उनका मजाक भी उड़ाया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खेती के बारे में समझती रही। धीरे धीरे पूर्वी को खेती की अच्छी खासी समझ हो गई। इस दौरान पूर्वी को पता चला कि उर्वरकों से फसल को काफी नुकसान होता है, इसलिए उसने जैविक खेती को चुना। पूर्वी ने खेती से बुनियादी जरूरी चीजों को पूरा करने वाला मॉडल बनाया। इसके बाद पूर्वी ने एक डेयरी फार्म की शुरुआत की, जो जैविक खेती के लिए बहुत जरूरी है। इस डेयरी फार्म से पूर्वी गांव में ही दूध की सप्लाई करती थी। इसके बाद उसने अनाज, फल, आयुर्वेदिक औषधीय पौधों, फलियां, फूलों और सब्जियां उगानी शुरू की। पूर्वी ने गांव में सामान के बदले सामान के लेन देन की व्यवस्था शुरू की। पूर्वी व्यास आज अपनी जरूरत की 80% चीजें खुद उगाती हैं, लेकिन पूर्वी इससे ही मानने वाली नहीं थी। इसके बाद पूर्वी ने किसानों को जैविक खेती से जोड़ना शुरू किया। शुरू में किसानों ने इसको ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन धीरे धीरे उनको पूर्वी की बात समझ आने लगी। पूर्वी ने 50 से 60 परिवारों को किसानों की जैविक फसल खरीदने के लिए राजी कर लिया। इसके बाद किसान जैविक खेती करने लगे और उनका सामान बिक जाता था। इससे उनका मनोबल बढ़ता गया और जैविक खेती के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए। इसके बाद पूर्वी ने युवाओं को इससे जोड़ने का फैसला किया। पूर्वी गांधीनगर और अहमदाबाद के कई कॉलेजों में गेस्ट फैकल्टी के तौर पर पढ़ाने लगी और उनको खाने के बारे में बताने लगी। पूर्वी की बातों का युवाओं पर असर होने लगा। कई छात्रों ने फास्ट फूड खाना छोड़ दिया और जैविक खान पान को अपनाने लगे। आज पूर्वी की खेती के मॉडल पर 2000 से ज्यादा किसान काम कर रहे हैं। ये किसान सीधे उपभोक्ताओं से जुड़ते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।